बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में आपको खुशामदीद। आज मैं चिकन वाले चावल बना रही हूँ बिरयानी के स्टाइल में। बिरयानी तो नहीं है इसको कह सकते, लेकिन बिरयानी के करीब करीब होगा इसका टेस्ट, क्योंकि आसान सी रेसिपी मैं आज चाह रही थी कोई, तो सोचा चावल बनाऊँ। बच्चों ने कहा नहीं बिरयानी बना लें, तो मैंने सोचा चलें बिरयानी के करीब करीब वाली एक चीज़ कर देते हैं, क्योंकि बिरयानी जो है उसमें मसाले स्पाइसेस कुछ ज़्यादा होते हैं जो कि घर में अभी मौजूद नहीं थे, तो लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा इसका। तो प्याज काट कर जो है दो दरमियाने साइज़ की प्याज काट कर मैंने घी में फ्राई होने के लिए रख दी है, और घी जो है ना वो मैंने हसबे ज़रूरत लिया है। ठीक है, चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा घी ही अच्छा लगता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं, तो प्याज को मैं कर रही हूँ ब्राउन। साथ साथ इन्ग्रीडियंट्स जो है वो आपको बताती रहूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए। मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वीडियो वॉच नहीं करते आप लोग और लाइक नहीं करते, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा दिल शिकनी होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग हेल्प करें मेरा वॉच टाइम पूरा होने में, मदद करें मेरी, वीडियो को एंड तक देखा करें। प्याज ब्राउन होती है तो फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। अच्छा जी, प्याज जो है ना वो हो गई है हल्की सुनहरी, ठीक है, और इसमें मैं शामिल करती हूँ एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में धनिया का पत्ता आ गया है बीच में, तो इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए अबू बकर मुसलसल मेरे साथ साथ होते हैं, आपको पता है किचन में तो हमेशा ये देखें स्टूल रख के बैठे हुए होते हैं, ये देखें, और चीज़ों में हाथ भी मार रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं साफ साफ चीज़ें, इवन के कच्ची दालें और चावल भी खाते हैं। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं कह रहे हो? हाँ। क्यों? बैले देखे थे, बैले देखे थे। अच्छा, तो हो गया है हमारा लहसुन भी फ्राई। हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, ये देखें बस इतना सा पानी डालेंगे, ताकि अब जो हम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे तो वो जल ना जाएं। तो चिकन है मेरे पास 3 पाव चिकन है, तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। धो लिया था मैंने इसको, तमाम चिकन डाल के इसको 2-3 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि चिकन अच्छी सी फ्राई हो जाए और वाइट हो जाए इसका कलर। पानी जो है इसका कुछ करना है हमने, बस 2-3 मिनट करेंगे, वो जल्दी इसका पानी खुश्क हो जाता है, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वाइट हो जाता है। मैंने आपको बताया कि बहुत आसान रेसिपी है बिरयानी के करीब करीब वाली रेसिपी है, बिरयानी कह सकते हैं हम इसको, लेकिन आसान सी है, क्योंकि आज थोड़ी थकावट ज़्यादा थी मुझे, तो काम शाम किया था, काफ़ी कपड़े वगैरह धोए हैं और सफाई वगैरह की, तो थक गई थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि बिरयानी चाहिए तो मैंने सोचा चलें इस तरह कर लेते हैं। अच्छा जी, देखें अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है ना वो बहुत ही अच्छी से फ्राई हो गई है, तो मसाले डालते हैं। तो मसालों में जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ, मैंने 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, धनिया पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1/2 चाय की चम्मच, हल्दी 1/2 चाय की चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर मेरे पास काफ़ी तेज़ है ये, इसलिए मैंने 1/2 चाय की चम्मच ली है, आप अपनी हसबी ज़रूरत ले लें। 1 खाने का चम्मच मैंने दड़ा मिर्च लिया है, दड़ा मिर्च का इस्तेमाल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए इसमें टेस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये गरम मसाला मिक्स है, पीस लिया है मैंने, इसमें जायफल, जावित्री, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, बादियान, कड़ी पत्ता सब मिक्स हैं, ठीक है। तो ये 1 खाने का बड़ा चम्मच भर के मैंने लिया है, कुछ काली मिर्चें ली हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, साथ ही मैं दही शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें दही मैं तकरीबन 4 खाने के चम्मच डालूँगी, उसके बाद है बाकी मैं आपको बताऊँगी कि आगे मैं कहाँ इसका इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। अब इसको हम भून लेंगे, इसका घी छूटने तक हम इसको भून लेंगे। घी तो वैसे छूट गया है, बस हमने मसालों को भूनना है। 3 से 4 मिनट हम मसालों को भूनेंगे, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा भून लिया है मैंने चिकन को, और ये थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया है, उसको ढक के मैं रख देती हूँ ताकि चिकन अंदर तक गल जाए। तब तक चावल बॉईल कर लेते हैं, फ्लेम को बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है, बहुत स्लो है, दम वाली फ्लेम है, तो जब तक चावल तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ तकरीबन मैंने 3 किलो पानी लिया है, क्योंकि 1 किलो चावल है वो मैंने साफ़ करने के बाद धोकर अच्छी तरह और उसको भिगो दिया है, और इस पानी में मैंने 4 चम्मच जो है खाने के
नमक डाला है क्योंकि हमने पानी को ड्रेन करना होता है, इसलिए थोड़ा सा नमक ज़्यादा रखना होता है, ठीक है। तो और इसमें मैंने आधी चाय की चम्मच ज़ीरा डाला है, एक खाने का चम्मच मैंने सिरका डाला है। तो इसको बॉईल आने देते हैं, फिर इसमें चावल बॉईल करेंगे और चावल को एक कनी करेंगे, एक कनी रखेंगे, तीन कनी हम बॉईल करेंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह पानी को बॉईल आ गया है, तो हम इसमें चावल डालते हैं जो कि हमने काफ़ी देर से सोख किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से चावलों को बॉईल करने कितना पानी और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हर चावल की क्वालिटी जो है वो अलग होती है और हर चावल पकने में अपने हिसाब से टाइम लेता है और हर चावल की पानी की क्वांटिटी भी अलग ही होती है। तो आप जो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप जानते होंगे कि ये कितनी देर में पकेगा और कितनी जो है ये पानी लेगा, ठीक है। वैसे तो ये हम बॉईल कर रहे हैं, हमने पानी को गिरा देना है तो इस हिसाब से, लेकिन जब आप ऐसे ही पका रहे हो तो आपको ध्यान रखना है। तो हम दो कनी चावल उबाल के इसका पानी ड्रेन कर देते हैं और आधे चावल हम देचकी से निकाल लेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूं। चावलों को मैंने उबालने के बाद जो है वो ड्रेन किया पानी इसका, और इसको मैंने आधे चावल निकाल दिया, आधे देचके में हैं। अब हम यहाँ पर जो हमने कौरमा तैयार किया था इसको जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर तमाम जो है ना फैला कर लगा देंगे। साथ में बताऊंगी कि हमने इसकी बाकी क्या चीज़ें डालनी है इसमें। तमाम जगह पर हम डाल देंगे इसको। अबू बकर का जो है ना वो बहुत जल्दी हो रही है चावल खाने की, और मुझे कह रही है कि चावल तो पक चुके हैं फिर मुझे आप क्यों नहीं दे रही हैं। मैंने इनको बताया कि अभी नहीं पके हैं चावल। पत्ते में अच्छा ये मैंने डाल दिया, अब इसके ऊपर हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें, और इसी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, धनिया पुदीना पत्ते मैंने तोड़ के और इसको अच्छा सा मैंने धो लिया, ये डालेंगे। चाट मसाला है मेरे पास, इसको थोड़ा सा डालेंगे और उसके बाद जो है इसके ऊपर मैं फिर चावलों की तह लगाती हूँ। चावलों की दूसरी तह लगाने के बाद जो ग्रेवी बची थी कोरमे की वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी दही। कलर वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि घर में अभी कलर मौजूद नहीं है। मैंने आपको बताया घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों से आप बिरयानी की शक्ल बनाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। धनिया पुदीना अगेन डाल रही हूँ और हरी मिर्चें जो बची हुई थी वो भी डाल रही हूँ। लीमू का रस है मेरे पास, तकरीबन 3 अदद लीमू हैं, उनका रस मैंने निकाल लिया था। और अब हम इसको बंद कर देते हैं फ्लेम को, सॉरी ढक्कन बंद करके फ्लेम जो है वो 3 मिनट पहले जो है वो तेज़ रखेंगे और उसके बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको दम देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। लें जी, बहुत ही मज़ेदार हमारे बिरयानी राइस जो है वो तैयार है। मैं इसको बिरयानी राइस का ही नाम दूंगी, लेकिन बहुत मज़ेदार बिल्कुल बिरयानी वाला टेस्ट है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को एंड तक देखा करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।